इंदौर में लसूड़िया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अलग अलग स्थानों से अवैध वसूली करने वाले चार बदमाशों को हिरासत में लिया है। बदमाश घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगाने के साथ नशे की सामग्री बेचा करते थे। गिरफ्त में आए चारों कुख्यात बदमाशों की पुलिस ने उन्हीं के क्षेत्र से जुलूस निकालने के दौरान जमकर पिटाई भी की गई। माफी मांगते चिल्लाते ये नामी गुंडे हैं। ये गुंडे क्षेत्र के लोगों को डराते धमकाते थे। पुलिस की पिटाई के बाद इनकी हवा निकल गई है। इन बदमाशों पर एक दो नहीं बल्कि दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पुलिस ने इनकी जमकर पिटाई कर दी और उसी क्षेत्र से जुलूस भी निकाला जहां पर ये दादागिरी किया करते थे। राजीव आवास बिहार में रहने वाले लिस्टेड गुंडे अर्पित मिश्रा को पुलिस ने एक पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। बदमाश एक व्यापारी को धमकाकर वसूली कर रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अर्पित को गिरफ्तार कर लिया। अर्पित पर दो दर्जन से अधिक अपराध दर्ज हैं। आरोपी लखन जाट की गैंग से जुड़ा हुआ है। वहीं पुलिस ने उमाशंकर नामक बदमाश को भी पकड़ा है, जिस पर 24 से अधिक अपराध दर्ज हैं। आरोपी गांजा बिकवाने का काम करता है और अब अपने आप को बेकसूर बता रहा है। अपने ही दोस्त पर आरोप लगाकर खुद को पाक साफ बता रहा है। वहीं पुलिस ने निमाच और छोटू पाल को भी गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों हमारे यहाँ लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ थाने के लिस्टेड गुंडे जो लगातार अपराधी गतिविधियों में लिप्त हैं, वे गांजे और अन्य नशे का अपराध नशे में नशा बेच रहे हैं लोगों को और साथ ही लोगों को चमका कर गुंडागिर्दी भी कर रहे हैं। हमने लगातार मुहिम चलाते हुए डीआईजी महोदय के आदेश के अनुसार हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के पालन में कल हमें एक अच्छी सफलताएं मिली है। चार लोगों ने गिरफ्तार किया है। एक उमा करके जो हमारा अपराधी है, जिसके खिलाफ लगभग 24 मामले हमारे थाने में पंजीबद्ध हैं, उसको हमने गिरफ्तार किया है। इसके बारे में सूरत थी कि ये गांजे का व्यापार छोटे छोटे बच्चों से करवा रहा है निरंजनपुर नई बस्ती में, काफी लोगों को बिगाड़ रहा है वहां पर। ये जब हमने अपना शिकंजा कसा था ये वहां पर चला गया था परदेसीपुरा क्षेत्र में, वापस जैसे हमारे क्षेत्र में हमने गिरफ्तार किया है उसको। साथ ही एक अर्पित मिश्रा भी अच्छा खासा अपराधी है, जिसके खिलाफ कम से 12 मामले, खजरा क्षेत्र का रहने वाला है, आजकल हमारी पिंक सिटी में रह रहा था। इसके खिलाफ भी हमने एक कल हमारे जवानों ने रंगा तो इसको पकड़ा एक कट्टे के साथ, देसी कट्टे के साथ। इसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। निजाम करके एक अपराधी है खजराना का, जो हमारे क्षेत्र में गांजे का व्यापार कर रहा था, इसको हमने गिरफ्तार किया है। इस प्रकार हमने चार अपराधियों को गिरफ्तार कर इनको क्षेत्र में घुमाया है ताकि जनता को सुरक्षा की भावना पैदा कर सके जनता के मन में और गुंडों का वर्चस्व क्षेत्र में कम हो सके। सभी बदमाश ट्रांसपोर्ट व्यापारियों से दादागिरी कर रुपए वसूलने का काम करते थे। पुलिस ने गुरुवार को जहां जहां ये बदमाश दादागिरी करते थे वहीं उनका जुलूस निकालते हुए जमकर पिटाई की। लगातार शहर में गुंडों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अगर इस तरह का अभियान पुलिस लगातार चलाती रही तो गुंडों की शामत आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।